दोस्तों 2022 में कैसे आप अपने मोबाइल से एक फ्री में YouTube चैनल बना सकते हैं, कैसे YouTube पर वीडियोस डालकर आप ग्रो हो सकते हैं और आप अपने YouTube चैनल से पैसे कमा सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोडेज, मेरा नाम है अमित। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले YouTube चैनल बनाने के लिए हमें एक जीमेल आईडी की आवश्यकता होती है। जीमेल आईडी बनाने के लिए आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र पर जाकर एक आसानी से अपनी जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जीमेल आईडी क्रिएट करने के बाद उससे हम अपना एक YouTube अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब हम खोलते हैं क्रोम ब्राउज़र को। क्रोम ब्राउज़र को खोलने के बाद हम चलते हैं gmail.com पर। gmail.com पर जाने के बाद, gmail.com पर आने के बाद हम चलते हैं गेट जीमेल पर और एक अपना जीमेल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना नाम यहां पर फिल कर देते हैं, फर्स्ट नेम डाल देते हैं और लास्ट नेम डाल देते हैं। इसके बाद में हम अपना यूज़र नेम जो हमें चाहिए वो डाल देते हैं। अब करते हैं इसमें नेक्स्ट। नेक्स्ट करने पर आपको ये मोबाइल नंबर मांगेगा, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें जिस पे आपको वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। मोबाइल नंबर दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करने में और टू स्टेप वेरिफिकेशन दोनों में ही काम करेगा। सिक्योरिटी पर्पस से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन को हाइड किया है दोस्तों। आई एग्री पर क्लिक करते ही कुछ ही समय में आपका जीमेल अकाउंट रेडी हो जाएगा। जीमेल अकाउंट बन जाने के बाद हम चलते हैं youtube.com पर और YouTube खोलते हैं। जैसे ही आप youtube.com खोलेंगे आपका जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली इस पे लॉगिन दिखाएगा। ये देख सकते हैं आपका जो अकाउंट है यहाँ लॉगिन दिखेगा। मेरे केस में हो रहा है, मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ लॉगिन दिखा रहा है। हम चलते हैं इसमें सेकंड ऑप्शन पर क्रिएट अ चैनल और यहाँ से हम चैनल क्रिएट करते हैं। चैनल क्रिएट करने में चैनल का नाम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, तो नाम आप चाहें तो अपने हिसाब से जो आपका नीस है उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। जैसे इसमें मैं डाल देता हूँ AK ब्लॉग्स, ये मेरे चैनल का नाम है, और क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देते हैं तो ये AK ब्लॉग्स के नाम से जो चैनल है वो तैयार हो जाएगा। अब चूंकि हमारा ये चैनल बन के तैयार हो गया है, अब हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं जिसके लिए हम चलेंगे कस्टमाइज चैनल पर और उसके बाद हम आ जाएंगे कस्टमाइज चैनल पे, जिसमें हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा लेआउट। लेआउट जब हम वीडियोस बना लेंगे उसके बाद वाला सेक्शन है। सबसे पहले हमें ब्रांडिंग पे जाना है और अपने चैनल के लिए एक लोगो, एक बैनर आर्ट और एक वाटरमार्क अपलोड करना है। वाटरमार्क आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, चाहें तो ना भी करें तो चलेगा। सबसे पहले हम लोगो बना लेते हैं। लोगो बनाने के लिए हम चलते हैं अपने कैनवा के साइट पर या फिर कैनवा की एप्लीकेशन पर। कैनवा की एप्लीकेशन पर हम जाते हैं और यहाँ से हम अपने YouTube के लिए लोगो और YouTube के लिए यहाँ से ही बैनर दोनों चीज़ बना लेंगे। चलते हैं और सर्च करते हैं YouTube लोगो, YouTube चैनल लोगो पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपने लिए एक फॉर्मेट सिलेक्ट करके और उस पर एक लोगो डिज़ाइन कर लेंगे। जैसे हमने ये एक सिलेक्ट किया है, इसमें हम टेक्स्ट को चेंज कर देंगे और अपना टेक्स्ट डाल देंगे। इस तरीके से आप टेक्स्ट चेंज करके और भी चाहें तो आप ये सारे चीज़ों को चेंज करके, कलर चेंज करके और अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारा लोगो डिज़ाइन हो गया है। अब इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। फिर से हम वापस से होम पे जाते हैं और YouTube लोगो की जगह पे YouTube चैनल आर्ट को सर्च कर लेते हैं। YouTube चैनल आर्ट पर जाकर हम कोई एक बैनर सेलेक्ट करके और उसमें अपने टेक्स्ट को, जो हमारा टेक्स्ट है, वो भर सकते हैं। इसमें आपको पेड और फ्री दोनों प्रकार के ही बैनर मिल जाएंगे। ये हमने बैनर सेलेक्ट किया है और इसे हम एडिट कर लेंगे और नीचे वाला टेक्स्ट हम डिलीट कर देते हैं। अपने चैनल का जो भी डिस्क्रिप्शन आप चाहें शॉर्ट फॉर्म में, अपने चैनल की जो भी स्टैंडिंग है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। हम लिख देते हैं डेली ब्लॉग्स। ये हमारा चैनल या बैनर आर्ट भी तैयार हो गया है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं अपने वापस से YouTube चैनल पर और दोनों चीज़ों को अब हम उस पर अपलोड करेंगे। सबसे पहले ये हम यहाँ पर ब्रांडिंग में जाके लोगो अपलोड करते हैं। लोगो अपलोड करने के लिए हम जाते हैं और ये है हमारा अकी ब्लॉग्स के नाम से लोगो। लोगो को हमने सेलेक्ट किया और प्रॉपरली इसको पोजीशन कर लेते हैं। अभी जैसे हमारा प्रॉपर पोजीशन है, डन कर देते हैं तो लोगो ये हमारा जो है वो अपलोड हो गया। इसी तरीके से हम वापस से चलते हैं बैनर इमेज पे और बैनर इमेज को अपलोड करते हैं। अपलोड पे क्लिक करते हैं और डेली ब्लॉग्स को सिलेक्ट करते हैं और इसको अपलोड कर देते हैं।
दोस्तों इसमें आपको एक जानने वाली चीज़ ये है कि चैनल आर्ट का जो साइज है उसमें जो मैक्सिमम विजिबिलिटी सारी डिवाइस में होती है वो ये जो अनब्लर्ड सेक्शन दिख रहा है जिसमें डेली ब्लॉग्स लिखा हुआ है वहाँ पर मिलेंगी। बाकी आपका जो डेस्कटॉप व्यू है उसमें जो बीच वाली स्ट्रिप है वो पूरी व्यूएबल रहेगी, और टीवी में जो ऊपर वाले से लेके नीचे तक की है वो पार्ट व्यूएबल रहेगा। तो आप कोशिश करें कि जो आपका मैक्सिमम कंटेंट है जो विजिबल पार्ट है उसके अंदर रहे ताकि सारी डिवाइस में वो विजिबल हो। इसको डन कर देते हैं। आप अपना लोगो और बैनर आर्ट ज़रूर लगाएं, इससे चैनल प्रोफेशनल लुक देता है। आप चाहें तो वाटरमार्क भी अपलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ सिलेक्ट करने के बाद हम पब्लिश कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने चैनल में लोगो को, बैनर इमेज को और साथ में वाटरमार्क को अपलोड करके और पब्लिश करते हैं। फिर हम चलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पे, जिसमें हमें अपने चैनल के बारे में अबाउट सेक्शन में जो आता है वह डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। जैसे कि हम इसमें लिख देते हैं कि दिस चैनल इज़ अबाउट ब्लॉगिंग एंड टूर्स एंड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। डिस्क्रिप्शन में आप अपने चैनल के नीश के बारे में और साथ ही अपने बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। साथ ही नीचे दिए हुए लिंक्स हैं जिन पे आप अपने सोशल मीडिया लिंक, वेबसाइट के लिंक वगैरह को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इसमें अपनी एक वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं जो कि आपके जो बैनर आर्ट है उसमें डायरेक्टली दिखेंगे। ईमेल आईडी में आप अपना एक बिजनेस ईमेल आईडी भी दे सकते हैं जिस पे कोई भी स्पॉन्सर या फिर कोई भी व्यूअर आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है। और सब कुछ हो जाने के बाद इसे हम पब्लिश कर देते हैं। इसके बाद सबसे नीचे आप देख सकते हैं एक ये सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये सेटिंग के ऑप्शन पर जाकर आपको कुछ सेटिंग्स आपके चैनल के लिए करनी पड़ती है जिससे आपके चैनल की विजिबिलिटी बढ़ती है और वो सर्च में रैंक करता है। जैसे कि सबसे पहला जनरल सेक्शन है, जनरल सेक्शन को हम छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है चैनल का, जिसमें आप अपनी रेसिडेंस कंट्री चूज कर सकते हैं। और नीचे हमें बहुत ही सावधानी से ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ऐसे टैग्स का इस्तेमाल करना है जो कि आपके चैनल के बारे में है। जैसे कि आपका चैनल ट्रैवल का है, ब्लॉगिंग का है, तो आप उसके हिसाब से टैग्स यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी वाला है तो उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और सारे टैग्स के बाद कॉमा लगाते जाएं जो कि ऑटोमेटिकली टैग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इसमें टैग्स लगा दें और इसे सेव कर दें। इसी तरीके से दोस्तों आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल बनाना और उसके बाद उसमें वीडियोस कैसे अपलोड करने हैं, थंबनेल कैसे लगाना है, इन सभी के बारे में वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के बाद देख सकते हैं आप लोगो, बैनर आर्ट और जो आपने वेबसाइट लिंक पोस्ट की थी वो सारी चीज़ें इस तरीके से दिखती हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अपने YouTube स्टूडियो से मैनेज कर सकते हैं और वहीं से हम चाहें तो कोई भी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये देखिए हमारा YouTube चैनल बनके तैयार हो गया है। दोस्तों अगर आप में कोई यूनिक टैलेंट है या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज रखते हैं तो 2022 में भी आप अपना चैनल बनाकर ग्रो कर सकते हैं। अभी भी हमारे यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन का लगभग 50% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ 1.39 बिलियन पॉपुलेशन होने के बावजूद भी सभी के पास में स्मार्टफोन अभी भी नहीं है, जो कि धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। और जियो का जब से इंटरनेट आया है तब से इसने काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी है और इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब से आजकल लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो आप भी अभी भी चाहें तो यूट्यूब पर अपना एक वीडियो चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में उससे ग्रो होकर इनकम कर सकते हैं। तीन माध्यम है जिनसे हम बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। सबसे पहला है यूट्यूब का खुद का एडसेंस प्रोग्राम, जिसमें जो भी आप वीडियो डालते हैं उसमें जो एड्स आती है उसका आपको पैसा मिलता है। वो पैसा दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसका 45% पैसा जो है YouTube एज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर खुद रखता है और 55% आपको मिलता है। दूसरा माध्यम ये है कि आप अपने वीडियो में अगर कोई प्रोडक्ट या किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देते हैं, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं, तो आप उसका लिंक नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। और एज अ एफिलिएट यदि कोई उस लिंक से कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसके बदले में आपको कमीशन मिलता है, जो कि आपका दूसरा इनकम सोर्स हो जाता है। और तीसरा, जब आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जिसकी आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है उसके माध्यम से भी आप काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। इन तीन तरीके से आप बेसिकली
इनकम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से माध्यम हैं जिनसे इनकम होती है, पर ये तीन बेसिक माध्यम हैं। इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल पर इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने मोबाइल से YouTube चैनल बनाकर उस पर वीडियोस अपलोड करके और अपनी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अपने चैनल पर आगे भी इसी तरीके के यूट्यूब पर ग्रो होने वाले टिप्स और उसी तरीके के वीडियोस लाते रहेंगे। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे थे इन्फोडेस। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।